दोस्तों, जब आप अपनी बैंक की केवाईसी करते हैं, अभी आप अपना मतलब यूएन पोर्टल ओपन कर रहे होंगे, वहाँ पर आप जब आप अपनी बैंक की केवाईसी करने जाते हैं तो वहाँ पर केवाईसी करते हैं तो, और उसके बाद जैसे ही आप मतलब आईएफएससी वेरीफाई करने के बाद और ये टिक मार्क लगाने के बाद सेव पे जब जाकर अब इसे सेव करते हैं तो यहाँ पर एक लोडिंग की प्रॉब्लम आती है आपके सामने, जो कि मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी टाइम हो गया इसे अभी तक लोडिंग लेते हुए, लेकिन ये मतलब सक्सेस नहीं हुआ और यहाँ पर अभी तक लोडिंग ले रहा है, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें अब आप कैसे मतलब अपनी केवाईसी को अप्रूव करवाएंगे, मतलब केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे क्रोम ब्राउजर में यूज नहीं करना है। अगर आप अपना यूएन पोर्टल खोलना चाहते हैं तो क्रोम ब्राउजर में यूज नहीं करना है, मतलब क्रोम ब्राउजर में ओपन नहीं करना है। इसके लिए आपको जाना होगा, मैं बता दूं, मोजिला फायरफॉक्स यूएन पोर्टल पर जाके, जैसे ही आप मोजिला फायरफॉक्स पर अगर यूएन पोर्टल ओपन करेंगे तो अगर वहाँ ओपन करने के बाद आप अपनी बैंक की जो केवाईसी करेंगे और जैसे बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालेंगे और सेव करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने मतलब ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। वो आपके सामने ओटीपी मांगेगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपकी केवाईसी की जो रिक्वेस्ट है, ये देख सकते हैं मैंने जो केवाईसी डाली है, अभी केवाईसी डाली है और इसकी रिक्वेस्ट जो है मतलब बैंक के पास चली गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो मोजिला फायरफॉक्स है वो ब्राउजर यूज करना है आपको और उस पर ही लॉगिन करना है यूएन पोर्टल पर, ठीक है, और उसके बाद अपनी बैंक की केवाईसी डालनी है, ये आपका सक्सेस हो जाएगा। अगर आप क्रोम ब्राउजर में यूज करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये लोडिंग ही मतलब शो करेगा। तो दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि अब आप अपनी बैंक की केवाईसी कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना लोडिंग के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस हमेशा पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।